जब गुरबत डेरा जमा ले तो बच्चों की जानें बचाने के लिए हल ढूंढना ही पड़ता है। बांग्लादेश में डॉक्टर क्रिस ने ऑस्ट्रेलिया में काम के दौरान जो जदीद मशीनें देखी उनसे मुतासिर होकर नमूनिया के इलाज के लिए शैम्पू की बोतलों से ऑक्सीजन बोतल तैयार कर ली जो फेफड़ों को मुनासिब ऑक्सीजन फराहम करके बच्चों के लिए लाइफ सेविंग मशीन साबित हो रही है। इस तरीकेकार में शैम्पू की बोतल में पानी भरकर उसके एक सिरे को प्लास्टिक सप्लाई ट्यूब से जोड़ दिया जाता है। बच्चे टैंक से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ट्यूब के जरिए इस शैम्पू की बोतल में एक्सहेल करते हैं और उनकी तबीयत में बेहतरी आने लगती है। डॉक्टर क्रिस्टी ने दो साल की स्टडी के बाद अपनी इस ईजाद के नतायज मेडिकल मैगजीन में शाया करवाए हैं। CPAP डिवाइस ने अस्पताल का सालाना बिल 30 लाख रुपए से कम करके 6 लाख रुपए तक कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही नमूनिया के इलाज के लिए सस्ते मुतबादिल इलाज रिकमेंड किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब भी नमूनिया से मुतासरा हर 7 में से एक बच्चा मौत का शिकार हो जाता है।